हमारा देश भारत भरा पड़ा है रहस्यों से। यहाँ की सभ्यता जितनी पुरानी है, लगभग उतने ही पुराने हैं यहाँ के मंदिर। हजारों साल पुराने मंदिर आज भी अपने अंदर अनगिनत राज छुपाए हैं। अक्सर पुराने मंदिरों के रहस्य चर्चा का विषय बने रहते हैं। हमने पहले एक वीडियो में पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्यों के बारे में आपको बताया था, उस वीडियो को भी जरूर देखें। लिंक आपको इन्फॉर्मेशन बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम ऐसे ही एक बहुत पुराने और चार धामों में से एक मंदिर जगन्नाथ मंदिर की बात करने जा रहे हैं, जो पूरी उड़ीसा में है। ये मंदिर जितना भव्य और महत्वपूर्ण है, उतने ही राज अपने अंदर छुपाए हुए हैं। कई चमत्कार इस मंदिर के ऐसे हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं, और साइंस के पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और सब्सक्राइब करें कथा संगम को। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे लाल बटन को प्रेस करिए। और चलिए लेते हैं जगन्नाथ जी का नाम और शुरू करते हैं आज की कहानी। जगन्नाथ विष्णु के रूप हैं और उड़ीसा के पुरी में समुद्र तट पर विराजमान हैं। जगन्नाथ यात्रा कितनी भव्य होती है और यहाँ कितने लोग आते हैं, ये तो आपने सुना होगा। पर इस मंदिर की मूर्तियों के आकार और इस मंदिर की स्थापना की बड़ी अद्भुत कहानी है, चलिए पहले वो सुनते हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार मालवा के राजा इंद्रदुम्न को सपने में जगन्नाथ भगवान के दर्शन हुए और भगवान ने राजा से कहा कि नील पर्वत पर एक गुफा है, उसमें मेरी एक मूर्ति है जिसे नील माधव कहते हैं। भगवान जगन्नाथ ने राजा से कहा, उस मूर्ति को स्थापित कर मेरा एक मंदिर बनवाओ। राजा के सैनिक ने सबल कबीले से वो मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। उस समय तक सबल किले के लोग उस मूर्ति की पूजा करते थे। मूर्ति के चोरी होने की वजह से भगवान रुष्ट हो गए और माना जाता है वे राजा के पास से ये कहकर चले गए कि वो तभी वापस आएंगे जब एक विशाल मंदिर उनके लिए बनवा दिया जाएगा। राजा ने उसके बाद मंदिर बना दिया और भगवान नील माधव से प्रार्थना की कि उस मंदिर में विराजमान हो जाएं। भगवान ने तब राजा से कहा कि द्वारका से तैरकर पुरी एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा आ रहा है, उसे लेकर आओ और उससे मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा ने उस लकड़ी के टुकड़े को ढूंढ लिया पर बहुत लोग मिलकर भी उसे नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आया कि उन्हें नील माधव के भक्त और सबल कबीले के सरदार विश्व वसु की मदद लेनी पड़ेगी। सभी हैरान रह गए ये देख के कि विश्व वसु उस बड़ी सी भारी लकड़ी को अकेले ही उठाकर मंदिर में ले आए। अब बारी थी उस लकड़ी में से मूर्ति बनाने की, पर राजा के कारीगर उस लकड़ी में छेनी का एक भी वार नहीं कर पाए। तब राजा के सामने तीनों लोकों के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में आए। विश्वकर्मा ने यह शर्त रखी कि वे बंद कमरे में 21 दिनों में अकेले में मूर्ति बनाएंगे। शर्त मान ली गई और काम शुरू हो गया। पर लगभग 15 दिन बाद राजा इंद्रदुम्न की रानी खुद को रोक नहीं पाई और मूर्ति देखने की इच्छा जताई। राजा ने इच्छा मानते हुए बंद कमरे को खोलने का आदेश दिया, पर वहां से विश्वकर्मा गायब थे और मूर्तियां अधूरी थी। भगवान नील माधव और उनके भाई बालभद्र यानी बलराम की मूर्तियों के पैर नहीं बने थे और भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा के हाथ पैर नहीं बनाए गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इसी अधूरे रूप में उन मूर्तियों की स्थापना कर दी। इस तरह तीनों मूर्तियों को आकार मिला और उनकी स्थापना हुई। आइए जानते हैं इस मंदिर के कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। नवकलेवर या कहें नवकलेवर, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इस मंदिर में हर ऐसे साल होती है जब अधिक मास आषाढ़ मास में लगे। ऐसा अद्भुत संयोग हर 12 से 19 साल बाद आता है। नवकलेवर में भगवान की मूर्तियों को बदला जाता है, इसे ब्रह्म परिवर्तन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान मंदिर को बंद कर दिया जाता है, मंदिर की लाइट्स यहाँ तक कि शहर की लाइट्स भी बंद कर दी जाती हैं। पुजारी आंखों पर पट्टी बांधते हैं और दस्ताने पहनकर पुरानी मूर्तियों में से मूर्ति का हृदय निकालकर नई मूर्तियों में डालते हैं। आज तक ये राज है कि वो क्या चीज है जो मूर्तियां बदलते वक्त पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्तियों में डाला जाता है। एक कहानी के अनुसार एक बार कृष्ण एक वन में विश्राम कर रहे थे, तब एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर वार कर दिया।
उसके बाद कृष्ण ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। शिकारी को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने कृष्ण का दाह संस्कार करने का प्रयास किया। तब कृष्ण का बाकी शरीर तो जल गया पर हृदय नहीं। ये देख शिकारी हैरान हुआ और उसने श्री कृष्ण का दिल एक लकड़ी में रख दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। वही लकड़ी बहते हुए राजा इंद्रदुम्न को मिली। इसलिए माना जाता है कि जगन्नाथ जी की मूर्ति जो यहाँ है वह एक जीवित मूर्ति है। यही एक कारण है जिसकी वजह से पुरी को धरती लोक का वैकुंठ कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण आज भी यहाँ विराजमान है। ये मंदिर समुद्र तट पर मौजूद होने की वजह से मंदिर के दरवाजे तक समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देना आम बात है, पर मंदिर के अंदर एक कदम रखते ही लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती। ये बात आज तक राज है कि सिर्फ एक कदम के अंतर में समुद्र की आवाज सुनाई देना बंद क्यों हो जाती है। इस मंदिर में एक दिन में 2000 लोग आए या 20,000 लोग या 2,00,000, इस मंदिर में कभी भी प्रसाद की कमी नहीं होती। यहाँ आए हर भक्त को प्रसाद जरूर मिलता है और प्रसाद तब तक खत्म नहीं होता जब तक मंदिर बंद न हो जाए, और बंद होने के पश्चात प्रसाद बचता ही नहीं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ मिट्टी के 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है, और बहुत हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन में प्रसाद सबसे पहले पक जाता है। मंदिर के ऊपर लगा झंडा लगातार पिछले 1800 सालों से हर दिन बदला जाता है। माना जाता है कि यह झंडा अगर किसी भी दिन नहीं बदला गया तो अगले 18 सालों तक ये मंदिर बंद रहेगा। ये झंडा हवा के दिशा के विपरीत दिशा में लहराता है। ये देख के हर कोई हैरान रह जाता है कि ऐसा कैसे संभव है। कोई भी चीज हवा की दिशा के तरफ अपने आप ही उड़ती है, पर यहां ये लॉजिक उल्टा पड़ जाता है। वैसे तो सरकार द्वारा ये नियम नहीं बनाया गया है, पर इस मंदिर के ऊपर से ना तो आपको कोई प्लेन गुजरता दिखाई देगा ना ही कोई पक्षी। एक तरह से प्रकृति ने अपने आप को इस नियम में बांध रखा है। मंदिर का मुख्य हिस्सा बहुत ही बड़ा है और विशाल है, पर एक अद्भुत बात होती है यहाँ कि इस मंदिर की परछाई नहीं दिखती, चाहे सूर्य किसी भी दिशा से इस पर पड़े। अब आप इसे कारीगरी कहिए या चमत्कार, है ये बड़ी अद्भुत बात। इस मंदिर के ठीक ऊपर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसकी ये खास बात है कि आप शहर के किसी भी कोने से इसे देखें, ये आपको सीधा ही दिखेगा और लगेगा कि इसका मुंह आप ही की तरफ है। अद्भुत है ये मंदिर और इसकी कहानी। आशा करते हैं आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और उन्हें भी बताएं इस मंदिर की भव्यता और रोचक रहस्य। यदि आप जगन्नाथ मंदिर जा चुके हैं तो बताइए कैसा रहा आपका अनुभव। यदि आप भी किसी ऐसी भी प्राचीन और रहस्यमय जगह के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमें कोई सुझाव देना हो या हमसे कोई शिकायत करनी हो, हम आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मिल जाएंगे। यूट्यूब के साथ ही आप हमें अन्य सोशल मीडिया चैनल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कथा संगम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।